अब तक आपने देखा कि मॉन्स्टरवर्स की दुनिया में कुछ ऐसे मॉन्स्टर मौजूद हैं जो कि गॉडजिला को कड़ी टक्कर दे सकते हैं या यूं कह ले गॉडजिला को हरा भी सकते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे मॉन्स्टरवर्स के अलावा कुछ दूसरे यूनिवर्स के मॉन्स्टर को जो काफी हद तक गॉडजिला को हरा सकते हैं। हल्क, अगर ताकत को एक रूप या आकार दें तो उसमें हल्क बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। ये ऐसा पावरफुल सुपर जायंट है जिसके पास है कमाल की स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी और रीजनरेटिंग हीलिंग फैक्टर। हल्क की ताकत का एक छोटा सा नमूना हमें तब देखने को मिला जब साल 2012 में आई द अवेंजर मूवी में हल्क ने एक ही मुक्के से लवेथियन को रोक लिया था, जिसका अनुमानित भार लगभग 30 लाख टन का था। यहाँ तक इसने अपनी आकार की परवाह किए बिना इस मॉन्स्टर के दांतों को पकड़कर झूल गया। और हल्क में डर नाम की चीज मानो है ही नहीं, क्योंकि इसे लगता है कि ये किसी से भी जीत सकता है, चाहे वो सामने सर्टर ही क्यों ना हो। लेकिन क्या इतनी बातें काफी है गॉडजिला को मारने के लिए? इसका जवाब है नहीं। लेकिन दूसरे बातों की तरफ ध्यान दे तो हल्क और गॉडजिला दोनों ही रेडिएशन को सोख सकते हैं। अगर ये दोनों एक दूसरे के रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते रहें तो ये लड़ाई कभी खत्म नहीं होगी। लेकिन हल्क जिस तरह से गामा जैसे खतरनाक रेडिएशन को सोख पाते हैं, शायद ऐसा गॉडजिला ना कर पाए। वहीं आकार की बात करें तो हल्क गॉडजिला के सामने भले ही चींटी के समान हो, लेकिन हल्क कई लाख टनों के जीव को भी मार सकता है। और हल्क जितना गुस्सा होता जाता है इसमें ताकत और भी बढ़ती जाती है, तो ऐसे में हो सकता है कि हल्क गॉडजिला को हरा दे। सर्टर, जैसा कि आप जान चुके हैं कि सर्टर एक फायर डीमन है जिसका पूरा शरीर आग की तरह जलता रहता है, इसलिए इस मॉन्स्टर को मार पाना और भी मुश्किल हो जाता है। नर्क का ये राक्षस गॉडजिला से कई गुना विशाल है, साथ ही इसके पास इसका ट्वाइलाइट स्वॉर्ड है जिसकी ताकत तले पूरा एस्गार्ड तबाह हो चुका था। यहाँ तक कि इस स्वॉर्ड की मदद से ये पूरे प्लेनेट के साथ एक गैलेक्सी को भी नष्ट कर सकता है, तो ऐसे में गॉडजिला इस स्वॉर्ड की मार को झेल नहीं पाएगा। अगर सर्टर अपनी स्वॉर्ड का इस्तेमाल ला भी करें, फिर भी गॉडजिला को अपने से ढाई गुना बड़े मॉन्स्टर को मार पाना, वो भी आग से जलता हुआ दानव को जिसकी तापमान से पूरा शहर जल सकता है, ऐसे में गॉडजिला के लिए सर्टर से जीत पाना नामुमकिन हो जाता है। गॉडजिला अर्थ, गॉडजिला अर्थ दूसरे प्लेनेट में रहने वाला एक ऐसा शक्तिशाली मॉन्स्टर है जिसने पूरे प्लेनेट को ही अपने अनुसार ढाल लिया था। इस गॉडजिला के पास कई ऐसी अन्य खूबियां मौजूद है जिसकी बर्निंग गॉडजिला सिर्फ कल्पना ही कर सकता है। यहाँ तक कि गॉडजिला अर्थ की हाइट लगभग 1000 फीट का है, जो नॉर्मल गॉडजिला से काफी विशाल है। हालांकि वो बात अलग है कि बर्निंग गॉडजिला इंसानों का रक्षक है, तो वहीं गॉडजिला अर्थ इंसानों का भक्षक है। ईगो द लिविंग प्लैनेट, एमसीयू का ईगो एक सेलेस्टियल है जिसने खुद को एक प्लेनेट में बदल लिया था, और सेलेस्टियल होने की वजह से इसके पास लाइट को क्रिएट और डिस्ट्रॉय करने की एबिलिटी है। इसके अलावे इसके पास है एनर्जी, मैटर, बायोलॉजिकल को बदलने की शक्ति। अगर इसके आकार की बात करें तो ईगो अपने शरीर को जितना चाहे उतना विशाल कर सकता है और ये लाखों सालों तक जीवित रह सकता है। इसके पास मॉलिक्यूलर मैनिपुलेशन की भी शक्ति है, तो ये चाहे तो गॉडजिला को पल भर में ही टुकड़ों में बांट सकता है। यहाँ तक चाहे तो ये गॉडजिला के शक्ति को छीन भी सकता है। गैलेक्टस, सिल्वर सर्फर ने कहा था कि गैलेक्टस आ रहा है और ये पूरे प्लेनेट को खा जाएगा, और इसका मतलब सचमुच में खाने से ही है। दरअसल ये एक ऐसा दैत्य है जो प्लेनेट का भूखा होता है, क्योंकि इसे ऊर्जा प्राप्त करने तथा जिंदा रहने के लिए प्लेनेट को ही खाना पड़ता है, क्योंकि इसका आकार इतना विशाल होता है जिसके सामने हमारी धरती एक सेब के समान लगे। लेकिन गैलेक्टस की एक खूबी ये भी है कि ये अपने आकार को छोटा या फिर बड़ा दोनों कर सकता है। ये खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, पोर्टल क्रिएट कर सकता है, यहाँ तक कि ये दूसरों को शक्ति देकर उसे अपना गुलाम बना सकता है, तो इसके पास गॉडजिला पल भर के लिए भी नहीं टिक पाएगा। पैसिफिक रिम मॉन्स्टर, पैसिफिक रिम का ये मॉन्स्टर गॉडजिला के साथ मुकाबले के लिए एक परफेक्ट राइवल है, क्योंकि इसका आकार 500 फीट तक बताया गया है। आकार के साथ साथ रिम मॉन्स्टर काफी ड्यूरेबल है, क्योंकि एक और जहां साल 1998 में आई गॉडजिला मूवी में
इंसानों ने गॉडजिला को मेटल वायर की सहायता से कैद कर लिया था और उस पर लगातार मिसाइल फायर करके उसे नीचे गिरा दिया था। लेकिन यह ट्रिक रिम मॉन्स्टर पर काम नहीं आती, क्योंकि इसे बनाया ही इस तरह गया है जिस पर हथियार काम नहीं आते, पर कॉम्बैट में इससे जीत पाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।